नमस्ते किसान साथियों, मैं सत्यनारायण पाटीदार पटेल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खड़े हैं एक संतरे के बगीचे में और इसमें सबसे बड़ी भयंकर समस्या आ रही है कि फल झड़ रहा है। जो नींबू के आकार के बॉल के टाइप के बन गए, छोटे बॉल के टाइप के संतरे, वो टपक के पीले, पहले तो पौधे के ऊपर पीले पड़ जाते हैं, फिर नीचे टपक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षति होती है हमारे किसान भाइयों की। तो इस बीमारी का जब हमने अच्छे से ध्यान से देखा तो इसमें तीन तरह की समस्या देखने की मिली है, जो इस फ्रूट ड्रॉपिंग को मतलब बताती है। पहले सबसे बड़ी समस्या ये दिखी देखने को मिली हमें कि इसमें मकड़ी का अटैक भयंकर देखने को मिला है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरे बताऊंगा कौन सी मकड़ी है और किस प्रकार से मकड़ी है और किस प्रकार से इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप ये अपने बगीचे में भी जाकर देखें। दूसरा जो कारण रहता है उसमें हार्मोन्स की कमी की वजह से फल का झड़ना भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन्स आपको स्प्रे करना चाहिए। और तीसरा कारण रहता है कि कैल्शियम और बोरान की कमी की वजह से भी फल झड़ता है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। किसान साथियों, हम आपको बताएंगे इस मकड़ी के बारे में पूरी जानकारी कि इस मकड़ी को किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे हम और कौन सी दवाई आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, मकड़ी के जो आक्रमण है उसका अगर आपको देखना है कि वो किस प्रकार से अटैक करती है और मकड़ी कहाँ मिलेगी देखने को, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये फूल के नीचे या फल के नीचे संतरे के ये जो जाले बने हुए हैं, जब आप इसको हटाएंगे धीरे धीरे तो इसमें आपको हजारों सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मतलब मकड़ी के बच्चे या मकड़ी देखने को मिलेगी। तो ये मकड़ी क्या है, रात में ज़्यादा सक्रिय होती हैं और रात भर ये नुकसान करती हैं। जब ये जैसे जाले से निकलेगी तो ये फल के जो बीट रहता है, जहाँ उसका जोड़ रहता है, वहाँ से उसको एक ऐसा मतलब अपनी लार स्त्रावित करता है, तो ताकि वहाँ से एक घाव बन जाता है। और घाव बनने के बाद वहाँ से जो पौधे का पोषक तत्व है उस संतरे के फल के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता है और वो वहाँ से उसका संपर्क टूट जाता है और धीरे धीरे वो पूरा पीला पड़ के नीचे टपक जाता है। दोस्तों, अगर आपको फल के नीचे अगर वो मकड़ी नहीं दिखती है तो उसका दूसरा सिम्टम्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इस मकड़ी को पहचान सकते हैं। ये जो आप पत्ती देख रहे हैं इसके नीचे जो आपको स्क्रैचिंग दिखती है, तो समझ लेना कि आपके जो बगीचा है उस बगीचे में मकड़ी का अटैक हो चुका है। किसान साथियों, ये जो आप वीडियो में छोटी छोटी मकड़ियां देख रहे हैं पत्ते के ऊपर, इनका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इनकी वजह से ही पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तों और फलों पर जो आप स्क्रैच देखते हैं वो इनकी वजह से ही आते हैं। अभी जो आप फल देख रहे हैं इसके जो बीट रहता है, जहाँ जोड़ रहता है, वहाँ पर आपको एक मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से। तो इसमें जब हम इसको हटाएंगे बारीक बारीक छोटे छोटे मकड़ी के बच्चे निकलेंगे, जो वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इस प्रकार से आपके फसल को ख़राब करेंगे। और जैसे ही ये यहाँ पर अपना जाला बना देते हैं तो यहाँ पर अपने एक लार स्त्रावित करते हैं, जो उस लार की वजह से यहाँ पर एक थक्का टाइप बन जाता है। तो और धीरे धीरे ये फल जो है पीला पड़ जाएगा और ये डाल से टूट कर हट के नीचे टपक जाएगा। किसान साथियों, इस मकड़ी को देखने के लिए आपको किसी लेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इतनी छोटी होती हैं कि इसको बारीकी से देखना पड़ता है। और ये मकड़ी जो होती हैं ये एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं, और ये अंडे जब बच्चे बनते हैं तो ये बच्चे बनकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आप जो छोटी छोटी मकड़ियाँ देख रहे हैं इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तों और फलों पर स्क्रैच भी आ जाते हैं। किसान साथियों, मकड़ियों सोयाबीन, मूंग, उड़द, मिर्च, कपास आदि फसलों में भी अपने अलग अलग रूपों में आकर नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादातर दूसरी फसलों में लाल मकड़ी होती हैं, लेकिन संतरों के पौधों में यह मकड़ी सफ़ेद व मटमैले रंग की होती हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण करने की। इसको कंट्रोल करने के लिए इथियन और साथ में सल्फर 80% WDG का मिलाकर
स्प्रे करना होता है, या फिर आप ओमाइट के साथ में मेपासोल खाद आता है, दोनों को दी हुई मात्रा में मिलाकर स्प्रे कर देवे। मेपासोल मिलाने से यह फंगस को भी कंट्रोल करेगा, साथ में फल का आकार, वजन, चमक भी बढ़ाएगा और पोटाश की पूर्ति भी हो जाएगी। किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का आप उपयोग करके आप निश्चित तौर पर इस मकड़ी पर कंट्रोल पा सकेंगे। अभी ये तो हो गया है पहला कारण मकड़ी का और उसके नियंत्रण करने का तरीका। अब अभी जो आप ये बगीचे में देख रहे हैं, इसमें भी फल बड़े नींबू के आकार के हो गए हैं। अभी इसमें संतरे का फल पौधों पर पीला पड़कर बीट के यहाँ से टूटकर नीचे टपक रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, पकने से पहले फलों का गिरना एक प्रमुख समस्या का कारण है, जिससे उत्पादन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो दोस्तों, फूल और फलों का झड़ना एक तरह से प्राकृतिक नियम है, लेकिन समय से पहले इनका झड़ जाना वो गलत है। फलों के गिरने से पहले फल व उसके जोड़ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत बन जाती है, जिसके अंदर पोषक तत्वों का पहुँचना बाधित हो जाता है, जिसे विघलन परत भी कहते हैं, तथा फल इसी स्थान से टूटकर गिर जाते हैं। तो ये हो गया फल जड़ने का दूसरा कारण। अब बात आती है कि इसको जड़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें एक हार्मोन्स का स्प्रे करना पड़ेगा। बाज़ार में आपको बहुत सारे हार्मोन्स वाली दवाइयां मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको दो प्रकार के हार्मोन्स का चुनाव करना सबसे बेहतर होगा। पहला हार्मोन्स की बात करें तो नेप्थेलिक एसिड, और दूसरा हार्मोन्स 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी यानी 2,4-डी। नेप्थेलिक एसिड में आपको प्लानोफिक्स या फिर माइक्रोफिक्स, जो माइक्रो केमिकल्स कंपनी की आती हैं, इसका 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। और दूसरा जो हार्मोन्स की बात आती है वो है 2,4-डी, जो आपको बहुत ही सावधानी से स्प्रे करना होगा। और इसके डोज के बारे में अगर आप जानना चाहें तो 1 ml 50 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पर इसका स्प्रे कर देना होता है। याद रखिएगा किसान भाइयों, 2,4-डी का आपको 1 ml 50 लीटर पानी में ही मिलाना है, क्योंकि ज़्यादा इसको हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये गेहूँ का वीडिसाइड होता है और इसमें हार्मोन्स होता है, लेकिन संतरों में ये कम मात्रा में डालने पर अच्छा काम करता है, यानी कि अपने फलों का जड़ना रोक सकता है। अब तीसरा जो कारण रहता है संतरों के फल का गिरने का, तो वह है नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों, फल बनने के बाद फलों की वृद्धि की में बहुत तेज़ी से होती हैं, मुख्य रूप से इसी समय नाइट्रोजन की भी कमी होती है। तो इसके लिए संतरे के पौधों पर नाइट्रोजन युक्त खादों का स्प्रे करना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया स्प्रे वाला खाद कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। इसका आप स्प्रे करना चाहो तो 80 ग्राम 15 लीटर की टंकी में मिलाकर स्प्रे करना बेहतर होगा, और इसके साथ में आप बोरान 20% का 20 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में मिलाकर स्प्रे करना सबसे फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये जो तीसरा जो मैंने कारण बताया है संतरों का गिरने का, तो आप इसको अपनाकर संतरों के जो फल जड़ने की समस्या है वह कारगर होगी। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके संतरे में जो फल गिर रहे हैं
वह रुक जाएंगे। दोस्तों, आप ज़मीन से भी सिंचाई के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट व सूक्ष्म पोषक तत्वों को दीजिएगा, इससे फलों का फटना नहीं होगा और संतरों की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, मैंने आपको संतरे के बगीचे में जो फूल और फल गिरने की जो समस्या होती है उसके तीन कारण बताए हैं और तीनों का समाधान बताया है। पहला जो है मकड़ी का, और दूसरा जो है हार्मोन्स की कमी की वजह से, और तीसरा जो है कैल्शियम नाइट्रेट की कमी की वजह से। तो निश्चित तौर पे आपके जो बगीचे में इनमें से तीनों में से जो भी लक्षण दिखे, आप उसका चुनाव करके, आप उचित प्रबंधन करके आप अपने फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इसी प्रकार के जानकारी वाले वीडियो मैं बनाकर आपको भेजता रहूँगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाइए, घंटी को दबाइए, और हो सके तो किसान भाइयों को आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस जानकारी की मदद से अपनी फसल को बचाने में मदद मिल सके।